एक प्रश्न हमारे विद्वान साधकों की तरफ से बार बार आता है कि आत्मा कहाँ रहती है। शरीर के किसी एक अंग विशेष में रहती है या संपूर्ण शरीर में उसका वास है। इसी प्रकार परमात्मा के विषय में पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है। पुराने धर्म ग्रंथों में पृथक पृथक रीति से बताया गया है। किसी ने कहा कि परमात्मा वहाँ रहता है, किसी ने कुछ कहा परमात्मा के बारे में भी। तो अगले वीडियो में इन शंकाओं का समाधान करते हुए मैं आत्मा का वास कहाँ है, आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, और परमात्मा का वास कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। नास्तिक मित्र बिल्कुल उनके पृथक विचार होते हैं कि अनात्माद होता है, यानी कि आत्मा होती ही नहीं, आत्मा के अलावा परमात्मा भी नहीं होता है। उस पर हम कई वीडियो पहले दे चुके हैं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगला वीडियो होगा कि आत्मा शरीर में किस अंश में रहती है या पूरे शरीर में रहती है, इसी तरह परमात्मा का वास कहाँ है, परमात्मा कहाँ व्याप्त है, कहाँ रहता है और किस तरह से वो नियंत्रण करता है। इंतज़ार करिए, शीघ्र ही आपको वो वीडियो देखने को और सुनने को मिलेगा। नमस्कार, आज मेरे संबोधन का और आज की चर्चा का विषय है कि आत्मा शरीर में किस स्थान पर वास करती है। वैसे आम बोलचाल में आत्मा को स्त्रीलिंग से संबोधित करते हैं, तभी करती है शब्द आ जाता है। संस्कृत में इसे पुल्लिंग ही कहा गया और आत्मा करता है, आत्मा रहता है, इस तरह के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अभी हम आपके समझने के दृष्टि से उसको इसी तरह संबोधित करते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा शरीर में किस अंश में पाई जाती है, कहाँ मिलती है। पहले तो मैं आरंभ में ही बता दूं कि जो अनात्मवादी लोग हैं, अनात्मवादी दर्शन है, अनात्मवादी विचारधारा है, वे आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते और इसी प्रकार वे परमात्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं। और आत्मा और परमात्मा को वे काल्पनिक मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। यहां मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं होता हूं। वेदों में, उपनिषदों में, भारतीय दर्शन में, खास रूप से जो षट दर्शन है भारत के, सांख्य योग, न्याय मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत, इनमें आत्मवादी विचार मिलते हैं। उनमें अलग अलग दर्शनों के अलग अलग यद्यपि विचार हैं, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को यथास्थान माना गया है। आज 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। हमारा जो भारतीय दर्शन का इतिहास है वो बहुत पुराना है और हजारों साल पहले विज्ञान का विकास उतना नहीं हुआ था। विज्ञान जो 21वीं सदी तक आते आते विकसित हुआ है वो पहले नहीं था। ये बात अलग है कि कुछ काल्पनिक आधार पर कहने लग जाएं कि नहीं साहब,
लाखों वर्ष पहले हमारे ग्रंथों में लिखा है कि दुनिया के सारे ब्रह्मास्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र, विज्ञान के सभी जो आज हैं और इतनी आज भी नहीं है जितनी कि तब उन्नतियां हुई थी, यह स्वीकार्य बहुतों को नहीं होता और मुझे भी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। शोध चलते रहना चाहिए कि कितना वैज्ञानिक पहले विकास हुआ था या अब हो रहा है, खंडन मंडन चलते रहना चाहिए, लेकिन हम यथार्थवादी समाज में रहते हैं तो इसलिए यथार्थ चिंतन, यथार्थ मनन, यथार्थ आधार पर खंडन, यथार्थ ही आधार हो उसके मंडन का भी। अब आए मूल विषय पर कि आत्मा है तो कहाँ है, शरीर के क्या किसी अंश में है? कोई कहेगा कि मस्तिष्क में है, कोई कहेगा हृदय में है, आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन आत्मा इस रूप में जब हम 21वीं सदी में वैज्ञानिक दृष्टि से और बौद्धिक आश्रम का भी विज्ञान में धर्म का मंत्र है, हम वो प्रतिपादन मानते हैं जो विज्ञान सम्मत होता है, क्योंकि धर्म हर वस्तु का धर्म होता है, हर जीव का धर्म होता है, सृष्टि में हर कर्ण का धर्म है, तो इसलिए धर्म व्यापक अर्थों में वही है जो विज्ञान सम्मत है। तो यहां हम संप्रदाय से पृथक वार्ता भी करते हैं, क्योंकि विभिन्न संप्रदायों में अलग अलग मत में आत्मा के पृथक पृथक विचार होते हैं। यहां हम विज्ञान सम्मत जो विचार हो सकते हैं आत्मा पर, उसी की चर्चा करते हैं। हमारा जो शरीर है, मानव का शरीर हो या किसी भी जीवधारी का शरीर हो, वो जीवित है जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह सारे जीवधारी वे जीवित हैं जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जीवधारियों में कैटेगरी अलग अलग भी हैं, जैसे वर्गीकरण हुआ बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, तो बॉटनी और जूलॉजी, जहाँ वनस्पति शास्त्र है वो बॉटनी में है और जूलॉजी, इसमें हम सारे जो स्थिर नहीं होते हैं, चलते हैं, उसके लिए जूलॉजी होती है। जितने जीवधारी इस तरह के हैं जो चलते हैं, पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं, लेकिन जीवन सब में है। अब जो जीवन है वो क्यों है, कैसे है? जीवन हम देखते हैं कि हमारी आंखें जीवित हैं, हमारा मस्तिष्क जीवित है, हम बोलते हैं, खाते हैं, जीवन होने के तमाम लक्षण होते हैं। वो लक्षण होने से हमें पता चलता है कि जीवित है या मुर्दा है, मर चुका है। तो जो जीवित के लक्षण होते हैं उसमें हमारे सारे अंग हैं,
वो सक्रिय होते हैं, काम करते हैं। इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वे सब सक्रिय रहती हैं। ये धीरे धीरे जब शिथिल पड़ती हैं तो एक दौर आता है जब हम या तो बीमार होते हैं, बीमार होने का भी एक दौर होता है, कभी फिर स्वस्थ हो जाएंगे, कभी फिर बीमार होते हैं। और एक शरीर के वृद्धापा का भी दौर होता है, जो बच्चा होता है वो नया होता है, शिशु, धीरे धीरे वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है। इस तरह से जो तत्व हैं पूरे शरीर में, उनका जो संयोजन है वो शरीर है, शरीर में परिवर्तन होता है। और प्रकृति का सिद्धांत है परिवर्तन, परिवर्तन ही सिद्धांत है प्रकृति का। यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है, जो भी दृश्य अदृश्य है, यहाँ तक जीव है या निर्जीव है, वहाँ भी परिवर्तन है। स्थिर कुछ भी नहीं, जो हमें दिखता है कि ये स्थिर है वो भी स्थिर नहीं। आपको, हमको, सबको दिखता है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी में हम रहते हैं, घर बने हैं, बड़े बड़े महल बने हैं, रेलें चलती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, लगता है स्थिर है। अगर स्थिर ना हो तो ये सब चलेंगे कैसे? लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और पूरा सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो चक्कर लगाता है, सौर मंडल भी चक्कर लगाता है, वो पूरा का पूरा सौर मंडल आकाशगंगा में चक्कर लगाता है, इसी तरह आकाशगंगाएं भी ब्रह्मांड में चक्कर लगाती हैं। तो सब परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील है। अब इस परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील शरीर में, जो हमारा जीवन है उसको कहीं हम जीव कहते हैं। जीव के अंदर और अधिक शोध करते करते जो हमारे दार्शनिक हुए या वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किए हैं कि आखिर वो क्या है, कौन सा तत्व है जिसे हम जीवित हैं, तब छोटी छोटी इकाई शरीर की इन अंगों के अंदर फिर सेल्स का पता चला कि हमारे पूरी शरीर की जो रचना है वो सेल्स से हुई है। सेल छोटी इकाई पाई गई, लेकिन उसके अंदर भी डीएनए, आरएनए, और अगर आप विस्तार से ज्वलॉजी में जाएंगे, यह हमारा विषय नहीं है, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर भी इस रचनाकार ने जाने क्या क्या रचनाएं कर दी हैं। जैसे हम एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखते हैं, और यहाँ तक कि इनसे भी छोटे कण होते हैं, जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तो और छोटे छोटे जो कण होते हैं, फोटॉन्स हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं तब फिर एटम बनता है या एटम टूटता है। तो शरीर में जितना हम सूक्ष्मतम जाते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, तो इन सबों के प्रवाह के लिए एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। इनका जो प्रवाह है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपके समझने के लिए बहुत आसान, कि विद्युत है, करंट है, किसी तार में करंट बह रही है, आप उसको छूते हैं तो महसूस करते हैं कि हाँ ये करंट है, लेकिन वो करंट है क्या? आधुनिक विज्ञान ने ये शोध किया कि विद्युत जितनी है वो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे जब प्रवाहित होते हैं तो करंट, उसी को हम नामित करते हैं, करंट कहते हैं।
और वो ऊर्जा का ही रूप है। विश्व में अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, यथा साउंड भी एनर्जी है, ऊर्जा है, विद्युत भी ऊर्जा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है, और अलग अलग वर्गीकरण हुए हैं ऊर्जा के। तो शरीर में हमारे अंदर केमिकल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, और भी एनर्जी के यहाँ अनेक रूप है। तो एनर्जी, विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी नष्ट नहीं होती है, कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है, ये केवल रूप बदल देती है, आप नष्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये सत्य है, ये ब्रह्मांड का सत्य है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न ऊर्जाओं का प्रवाह है, वो आपस में रूप परिवर्तन तो करती हैं, लेकिन उसको एक नाम से संबोधित करना है तो हम उसको ऊर्जा कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। ये जो एनर्जी है ये एक हिस्से में नहीं है, एक अंश में नहीं है, कि ऐसा नहीं कह सकते कि मस्तिष्क में एनर्जी है बाकी शरीर के अंगों में एनर्जी नहीं है। ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये सतत है और हर सेल में है, शरीर के हर अंग में है। हाँ, एक तथ्य अवश्य है कि जैसे आप प्रयोग करके बताता हूँ, उदाहरण देकर बताता हूँ, तो आपकी आपके समझने में आसानी होगी कि आप ब्लड प्रेशर नापते हैं। ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तो लेटे रहने पर ब्लड प्रेशर दूसरा होता है, बैठने पर दूसरा हो जाता है, खड़े होने पर दूसरा हो जाता है। किसी अंग में ब्लड प्रेशर दूसरा उसकी रीडिंग आती है, दूसरी आती है रीडिंग, किसी जगह दूसरी आती है। टेम्परेचर नापते हैं तो मुंह के अंदर का टेम्परेचर थर्मामीटर लगाते हैं तो दूसरा होता है, शरीर के अन्य हिस्से का टेम्परेचर दूसरा होता है। लेकिन टेम्परेचर हर जगह है, शरीर का कोई ऐसा सेल नहीं है जहाँ पर टेम्परेचर ना हो। इसी तरह विद्युत ऊर्जा शरीर के हर अंश में है। हाँ, ये अवश्य है कि मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, अधिक है। इसी तरह जो हमारा खून है, लहू है, ब्लड है, ये ऊर्जा का संवाहक है। तो जब आप कुछ भी करते हैं तो हर समय ऊर्जा का प्रवाह मस्तिष्क में अधिक रहता है अन्य अंगों की अपेक्षा, क्योंकि मस्तिष्क में अधिक इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं जहां उसको ब्लड की जरूरत सबसे अधिक पड़ती है। तो रक्त मस्तिष्क में अधिक प्रवाहित होता है, लेकिन जब खाना खाते हैं, आप भोजन करते हैं, तब वही खून, वही ब्लड आपके इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, आपके भोजन नली में जाता है, भोजन के जितने अंग हैं वहाँ पहुँचता है ज़्यादा, क्योंकि खाना पचाने के लिए रक्त के माध्यम से ऊर्जा चाहिए। इस तरह से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये जो ऊर्जा है इसी को तत्कालीन ऋषियों ने, मुनियों ने आत्मा का नाम दिया था। आत्मा ऊर्जा ही है, जो आधुनिक रूप में हम एनर्जी की बात करते हैं वो ऊर्जा है। और जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्थिर हो जाता है, बंद हो जाता है, तब हमारी मृत्यु होती है।
ये विषय और अलग है कि आखिर ऊर्जा का प्रवाह बंद क्यों हो जाता है। कभी रुकावट होती है तो हम बीमारी को प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर पूर्ण रुकावट हो जाए तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन होता यही है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। आप कभी मस्तिष्क का ईईजी कराएं? एक होता है ईसीजी जो हार्ट का होता है, हार्ट की धड़कन का पता चलता है, लेकिन एक होता है ईईजी जो मस्तिष्क का करते हैं। तो मस्तिष्क में यही करंट प्रवाहित होती है। एक रोग है जिसको काफी लोगों के ये रोग हो जाता है, उनके परिवार में कुछ को होगा, मिर्गी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ईईजी के माध्यम से पता करते हैं, उसमें करंट में बीच में कहीं कहीं रुकावट आ जाती है, तब उसको मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, केवल रुकावट मात्र से, वो भी मस्तिष्क में के कुछ हिस्सों में, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रवाहित होती है उसमें। तो ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है, केमिकल एनर्जी है और एनर्जी के जो दूसरे रूप हैं वो शरीर में व्याप्त होते हैं, लेकिन वो होते एक हैं। एनर्जी पृथक पृथक हो करके भी एक है, चूंकि आपस में रूप परिवर्तन है, आपस में एक दूसरे के कन्वर्जन है। लेकिन इसी आत्मा को, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जब शरीर छोड़ती है तो विभिन्न दर्शनों में, विद्वानों में, अलग अलग मजहबों में, संप्रदायों में, आत्मा के बाद, इस जीवन के बाद आत्मा को जाने के लिए, मिलने के लिए तरह तरह की चर्चाएं आ जाती, क्योंकि आत्मा स्वर्ग में चली गई, मृत्यु के पश्चात बोले आत्मा स्वर्ग में चली गई, और स्वर्ग शब्द गढ़ा भी गया, सबके नाम के मरने के बाद स्वर्ग ही लिख दिया जाता है कि वो जो स्वर्ग में वास है उसका है। ये जो स्वर्ग नर्क की कल्पना है, ये आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी और चिंतन, दार्शनिक चिंतन के अनुसार भी, ये केवल समाज सुधार की दृष्टि से ही थी। इसका दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो एनर्जी, वो कभी हो नहीं सकता है ऐसा कि वो किसी एक स्थान में रहे, भले उसका नाम आप स्वर्ग करें या कुछ भी कहें, या आप कहते हैं कि जो बुरी आत्माएं होती हैं वो नर्क में जाती हैं। ये कोई भंडार थोड़ा ही है कि एक स्वर्ग का भंडार है, एक नर्क का भंडार है और वहाँ ये आत्मा जाए, ये तो एनर्जी है, ये एक जगह, कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, इट इज नॉट मैटर, ना कोई व्यक्ति है, तो ये एक स्तर पर नहीं रह सकती है, एक स्थल पर नहीं रह सकती है, एक स्थिति पर नहीं रह सकते। एनर्जी तो प्रवाहित होती है, वो एक दूसरे में मिलती जाती है, एनर्जी एनर्जी में मिलती है। तब जब शरीर से ये निकली हुई एनर्जी है तो ब्रह्मांड में मिल जाती है, वो अपनी एनर्जी में मिलती है, और एनर्जी के साथ भी एक है कि वो कम एनर्जी हमेशा अधिक एनर्जी की तरफ बढ़ती है। ये काफी चिंतन, गहन चिंतन का विषय है, और तभी आप देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी, उसमें भी जो छोटी चीज है उसकी कम एनर्जी है, जो बड़ी चीज है उसकी ज़्यादा एनर्जी है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा, तो पृथ्वी में पूरा एनर्जी का भंडार चंद्रमा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है,
तो पृथ्वी की तरफ चंद्रमा खिंचती है, तो अधिक एनर्जी की तरफ कम एनर्जी जाती है, प्रवाहित होती है। ऐसे सूरज की ज्यादा एनर्जी है तो पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है, वो उसको आकर्षित करता है। कोई चीज आप जमीन से ऊपर उछालते हैं तो चूंकि जमीन में ऊर्जा बहुत है, फोर्स बहुत है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको कहते हैं, फोर्स और एनर्जी थोड़े अर्थों में अलग होती हैं, बाकी मिलती है। तो वो उछाला गया टुकड़ा वो जमीन में आता है। तो आपकी आत्मा जब शरीर से बाहर प्रभावित होती है, आपकी जो ऊर्जा बाहर प्रभावित होती है, तो वो परम आत्मा, अब परम एनर्जी कहिए, अल्टीमेट एनर्जी कहिए, टोटल एनर्जी कहिए, वो जो परमात्मा है वो टोटल एनर्जी उसमें मिल गई। अब यहां पर अलग कभी चर्चा करेंगे कि वो परमात्मा फिर क्या है जिसमें ये संपूर्ण जो ऊर्जाएं मिल जाती हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करने का आनंद अपना है। यहां ये अभी हम विषय नहीं लेते हैं, तो उसमें मिल जाती है। अब यहां तय हो गया कि वो भटकती नहीं है, आत्मा इतनी सर्वशक्तिमान है, ऊर्जा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिमान कोई है तो ऊर्जा है, एनर्जी है, आत्मा है। तो ये जब भटकती नहीं है तो इसके मोक्ष के उपाय निरर्थक है, ये तो स्वयं मुक्त है, इसको क्या आप मोक्ष प्रदान करेंगे, भगवान उसको शांति मिले। जो शरीर था वो तो शांत हो चुका है, शरीर को आप जला भी रहे हैं या दफना रहे हैं, मिट्टी मिला रहे हैं, लेकिन जो आत्मा है वो तो शांत है, उसको कोई शांत की जरूरत नहीं है, वो तो परम ऊर्जा में मिल गई, परमात्मा में मिल गई। तो मोक्ष की कल्पनाएं मिथ्या हैं। और वहीं पर आत्मा के मोक्ष की कल्पना मिथ्या है, और वहीं पर स्वर्ग और नरक की कल्पना मिथ्या है। इसके साथ जो उपाय हैं कि हम मरने के बाद उसके संस्कार करें, तो आप मृतक की याद तो करें, ये तो जीवन है कि जो मर जाते हैं उनके बारे में केवल यादें रह जाती हैं। आप उसके मृत्यु के पश्चात परिवार के लोग, बंधु बांधव एकत्रित हों, उसकी याद करें और उसे प्रेरणा लें कि वो शख्स कैसा था, उससे हमको समाज को क्या क्या मिला, परिवार को क्या मिला, दुख प्रकट करें और प्रेरणा लें। लेकिन उसके नाम पर तरह तरह के कर्मकांड कि आत्मा प्रसन्न होगी या उसको मिलेगा, अगर हम गाय दान करेंगे तो गाय उसको मिल जाएगी, अगर हम घर में और तरह तरह के जो दान करते हैं वो उसको मिलेंगे, वो आपका जो मृतक आपका पिता हो सकता है, माता हो सकती है, या परिवार का कोई हो सकता है, उसको मिलेगा, ये मिथ्या है। ये कर्मकांड सामाजिक दृष्टि से संभवतः बनाए गए। तो यहां पर कुछ लोगों ने उसको व्यापार का हिस्सा बना लिया। कई गरीब, भीषण गरीब लोग, उनके घर में जब मृत्यु होती है तो तेरहवीं के नाम पर, कहीं अन्य संस्कारों के नाम पर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। बहुतों को मैं जानता हूं जो बैंकों से लोन लेकर के उस तरह के कर्मकांड करते हैं, तेरहवीं आदि करते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो मैं इसको गिद्ध भोजन कहा करता हूँ, मृतक के बाद तो गिद्ध ही भोजन करते हैं, आप मिलिए, बैठिए, दुख सुख की चर्चा करिए, लेकिन भोजन का कोई मतलब नहीं है। अब स्वर्ग नरक मिथ्या है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तब यहाँ उसकी चिंता करना व्यर्थ है। आप हम मूर्ख हैं जो हम उस मृत
शरीर की तो चर्चा कर लें, लेकिन जो आत्मा गई बाहर वो तो अजर अमर है, अविनाशी है। पहले भी कहा गया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धातु पावका नश्चयनम क्लेदन्ति आपो नैनम शोषति मार्ता। तो जब इतनी शक्तिशाली है तो भटक कैसे सकती है, वो तो अजर अमर है। तो अजर अमर कौन होता है, वही परमात्मा जो परम ऊर्जा है उसमें विलीन हो गया। तो आज हम आत्मा के शरीर में किस जगह वास रहता है उस पर चर्चा कर रहे थे। फिर हम कभी चर्चा करेंगे कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है वो कैसे होता है, और कब पुनर्जन्म आत्मा का होता है कि नहीं होता, क्योंकि विश्व के तमाम दर्शनों ने सबने पुनर्जन्म की चर्चा की है। हमारे दार्शनिक, हमारे जो ऋषि मुनि श्रेष्ठ विद्वान पाश्चात्य दर्शन है, पश्चिमी देशों में भी जो फिलोसफर्स हैं दार्शनिक हैं, रिबर्थ की, पुनर्जन्म की हमेशा चर्चा की है। और ये बड़ा विवादित विषय है, बड़े शास्त्रार्थ भारत में होते रहे पुनर्जन्म पर कि है कि नहीं है। तो वो जो आत्मा है कि पुनर्जन्म लेती है कि नहीं लेती है, उसके तमाम लोग उदाहरण बताते हैं कि वो व्यक्ति जो जन्म लिया है वो उस तरह का है जो पहले जीवन में ऐसे ऐसे था। ये बड़ा व्यापक विषय है, लंबा विषय है, उस पर पृथक से हम आपसे मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा अनुरोध भी है आपसे कि जो भी हमारे लोग सामने बैठे हैं, सामने चर्चा करते हैं, या जो हमको सुनते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, उन के माध्यम से आप यूट्यूब में भी एक तरीका दिया होता है कि कमेंट बॉक्स में जा करके आप टिप्पणी कर सकते हैं। तो जो टिप्पणी करते हैं उसमें आपके प्रश्न होते हैं, कुछ आपके अपने उत्तर भी होते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि हम किन पर आगे चर्चा करें, आश्रम में भी और बाहर भी, जहाँ हम जाते हैं सत्संग के लिए, जहाँ चर्चा करते हैं। तो हमारे समाज में हमारा उद्देश्य है, बौद्धिक आश्रम का उद्देश्य है कि जो भी कुरीतियाँ हैं उनको यथासंभव दूर किया जाए, और वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम अपने अपने संप्रदायों को, आप इस्लाम मानते हैं, आप वैदिक धर्म मानते हैं, आप ब्राह्मण धर्म मानते हैं, आप अब आज उसको हिंदू कहते हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आप संप्रदाय मत या मत मानते हैं, वहाँ अपने उन मान्यताओं के बीच में परीक्षण जरूर करते रहें कि वैज्ञानिक क्या है। और विज्ञान समझना बहुत आसान है, छोटा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, अपढ़, जो बिल्कुल कभी पढ़ा लिखा नहीं है, उससे तर्कपूर्ण चर्चा कर लें, और जो तर्कपूर्ण चर्चा है वही विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। और ये मनुष्य की ही उपज है, मनुष्य के अंदर ही धर्म पैदा होता है, विज्ञान पैदा होता है, मजहब संप्रदाय सब मनुष्य के इस मस्तिष्क की देन है, मस्तिष्क में ही जन्म होता है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आज आत्मा पर हम सब ने विशेष चर्चा की, और आशा है कि आप सुखी रहेंगे। और वही मैं कहता हूँ कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप इधर उधर भटके नहीं, आप में आत्मा का वास है, आप में परमात्मा का वास हो गया, आत्मा परमात्मा एक हैं। और इसलिए आप इधर उधर अपनी आस्था के नाम पर जब भटकते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा का अपमान होता है, क्योंकि आप में के अंदर ही परमात्मा का वास है, आत्मा का वास है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, सो अहम, ये वेद भी कहते हैं। तत् त्वमसि, तत् मतलब वो ब्रह्म, त्वम मतलब तुम हो, तत् त्वम असि। और अगर बुद्ध के अनुसार कहें तो अत दीपो भव, आप प्रकाशित हों, आप बुद्धिमान बने, आप अपने तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, साथ में अनुभूति भी,
अनुभूति भी आपकी अपनी संपदा है, उसको भी साथ में लेकर चलें, लेकिन पाखंडों में न फंसें। जय भारत, जय हिंद, जय देश, जय मानव।